आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अधिवक्ता सहयोग समिति का 22वां शपथ ग्रहण समारोह दीवानी में हुआ। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष और पदाधिकारियों को अधिवक्ता राजेंद्र रावत ने शपथ दिलाई। पदाधिकारियों ने लगन से कार्य करने और वकीलों के साथ रहकर सहयोग की बात कही है। अधिवक्ता सहयोग समिति का 22वां शपथ ग्रहण समारोह दीवानी में किया गया। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष प्रवीण पाराशर, महासचिव कृपाल सिंह और कोषाध्यक्ष आनंद बिहारी आर्य को अधिवक्ता राजेंद्र रावत ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान पदाधिकारियों का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। अधिवक्ता सहयोग समिति के 22वें वार्षिक चुनाव के परिणाम आने के स्वरूप शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है और इस चुनाव में प्रवीण पाराशर अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित हुए व कृपाल सिंह सचिव पद हेतु निर्वाचित हुए और कोषाध्यक्ष के लिए आनंद बिहारी निर्वाचित हुए। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जा रही है और स्वल्पाहार का कार्यक्रम। दीवानी कचहरी आगरा में अधिवक्ता सहयोग समिति के जो नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री प्रवीण पाराशर जी, उनके सचिव, कोषाध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी गठित की गई है। आज उनका ससम्मान शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, शपथ हो चुका है। इसमें हमें उम्मीद है कि अधिवक्ताओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाने व क्रियान्वयन करने में ये अपना पूरा अमूल्य समय देंगे और उन जो ज्वलंत समस्याएं अधिवक्ता की हैं उनमें ये पूरी तरह से भागीदार बनते हुए उन्हें सुलह कराएंगे। अधिवक्ता सहयोग समिति का चुनाव 28 अप्रैल को दीवानी में हुआ था। चुनाव के बाद चुने गए नव नियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने लगन से कार्य करने और वकीलों के साथ हर समस्या में सहयोग करने की बात कही। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह जिम्मेदारी दी गई है उसमें अधिवक्ताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आज दीवानी परिसर में जो अधिवक्ता सहयोग समिति है वर्षों से काम कर रही है, उसकी नई टीम का चुनाव हुआ था। उस नई टीम में जिन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है उनका आज शपथ ग्रहण का आयोजन है। भीषण गर्मी के बावजूद भी सैकड़ों अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं। अधिवक्ता सहयोग समिति का जैसा नाम है उस तरह का सहयोग यह समिति आपस में अपने सभी सदस्यों का करती है और एक सबसे बड़ी बात के अधिवक्ताओं के बीच में सहयोग करने के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कामों में अपनी भूमिका ये लोग निभाते हैं और जब जब जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ तब तब ये लोग मौजूद रहकर अपने पास के सहयोग से, चाहे वो धन का सहयोग हो चाहे वो तन का सहयोग हो, सारे कामों को अंजाम देते हैं। मेरी इन सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज एडवोकेट हेल्थ एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है। यहाँ नई कार्यकारिणी जितनी भी हैं उनको मेरी तरफ से बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं यही चाहूँगी इसी तरीके से अधिवक्ता में यह कार्य करते रहें और जिस तरीके से नाम से ही प्रतीत हो रहा है अधिवक्ताओं की सहायता के लिए है। मैंने यह भी सुना है यह अधिवक्ता हेल्थ एसोसिएशन द्वारा अलग से लोक अदालत में कैंप लगाया जाता है जिसमें कानूनी सलाह निःशुल्क दी जाती है। यही मेरी कामना रहेगी इसी तरीके से ये कार्य करते रहें और अब जो नई कार्यकारिणी है उसके नव निर्वाचित कार्यकारिणी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज अधिवक्ता सहयोग समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। वो शपथ ग्रहण समारोह जो है मुख्य अतिथि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र रावत जी के द्वारा शपथ दिलाई गई है और मैं आगामी शपथ अधिवक्ता सहयोग समिति के लिए तरक्की के लिए अधिवक्ताओं साथियों के सदस्यों के हित के लिए उनके साथ समन्वय बनाकर और कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूंगा और आने वाले समय में अधिवक्ता सहयोग समिति दीवानी में एक अपना ऊंचा स्थान रखेगी और तरक्की करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में चुनाव अधिकारी संजय कुशवाहा ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिए। आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा और मुख्य अतिथि राजेंद्र रावत एडवोकेट के साथ अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह पप्पू ने किया। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।